मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, आप हैं आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ललिता। हाजिर हूं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस के साथ। दोस्तों, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वो कुछ कर सकते हैं। जो सही मायने में सफलता का अर्थ समझते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे जिंदगी में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और हार जीत का डर किए बिना रास्ते पर चलना हमारा काम, बिना किसी हार जीत का फैसला खुद किए। महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन और हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही कहना है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप चाहे जिस भी उम्र के हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो या आपके करियर का चाहे कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन लगभग हर किसी के जीवन का बस अपने जीवन में खुश रहना और सफलता हासिल करना ही होता है। सफलता पाने या सफल होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और बस खुद की पहचान बनाना नहीं होता। इसका मतलब तो अपने जुनून का पीछा करना, एक मकसद के साथ जीना और सबसे बड़ी बात, अपने आज में खुश रहना। वैसे दोस्तों, इस गाने की एक खास बात रही कि खुद पर यकीन किए बिना तो एक छोटा सा भी काम हमारा नहीं हो सकता। और अब एक नजर देश दुनिया में आज क्या खास रहा इस पर। महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीके का पहली बार इस्तेमाल आज ही के दिन सन 1885 में किया था। सन 1852 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत व भारतीय बने। तिब्बत समुदाय के 14वें और वर्तमान गुरु दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो का जन्म आज ही के दिन सन 1935 में हुआ और महान नैतिक दार्शनिक पीटर सिंगर का जन्म 1946 में आज ही के दिन हुआ। और अब बातें हमारे शहर बनारस की। वैसे सबसे पहली बात तो ये है कि गर्व कीजिए कि आप बनारस में हैं। जी हाँ, ये बनारस है, यहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ के अलावा किसी और की नहीं चलती, तो बना रहे बनारस। वैसे आज जब मैं घर से बाहर आ रही थी तो देखते ही बन रहा था बनारस का नजारा। साफ सफाई बहुत ज्यादा और रोड का सुंदरीकरण कर दिया गया है, डिवाइडर भी कलर किए गए, चौराहे सजे हुए। और हो भी क्यों ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल यानी 7 जुलाई को आ रहे हैं और जब जब मोदी जी का दौरा होता है तो हमारा शहर बनारस का कायाकल्प हो ही जाता है। प्रकृति का ख्याल रखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया और लगभग 25 करोड़ से 15 लाख पौधे लगाए गए। यूपी में मंगलवार यानी कल शाम 5 बजे से 6 बजे तक 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश ने इतने पौधे लगा के इतिहास रच दिया। वर्षा काल में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वृहद वृक्षारोपण हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 9 जुलाई 2022 तक विद्याधर्म एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में होगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का दिव्य आयोजन, ये विशिष्ट आयोजन उच्च शिक्षा का महाकुंभ सिद्ध होगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख शिक्षाविदों के सामुदायिक मंथन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित अमृत हेतु मंथन करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 7 जुलाई को काशी आ रहे हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूं पहले, तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यहां पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। वाराणसी के सिग्रा स्टेडियम के नए रूप का मॉडल सामने आया। सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के विकास और आधुनिकीकरण के बाद इसका रूप सामने आया। इसे सिग्रा स्टेडियम के कार्यालय भवन में रखा गया है। यहां
पहले फेज में तैयार होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अलग से मॉडल रखा गया है। साथ ही एक बड़े मॉडल में पूरा स्टेडियम नए रूप में नजर आ रहा है। और मोदी सरकार का प्रयास बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का, और कई तरह के प्रोग्राम है जो आपको पता चलेंगे कल और आने वाले समय में भी। कैंट स्टेशन के बाहर लगेगा चौराहे पर जमावड़ा लगेगा, और अब तो कैंट स्टेशन भी देखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हमें ये इशारा कर रही हैं कि हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है, तो आपको चलते चलते ट्रैफिक का हालचाल बता दें। तो मोदी जी के आने की वजह से पूरे शहर बनारस में हलचल बहुत ज्यादा है, तो जहां भी निकले थोड़ा समय लेके निकले, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, सीट बेल्ट पहने, और हाँ हेलमेट जरूर लगाएं, और गाड़ी चलाते समय फोन से बात बिल्कुल भी ना करें। और अब आपको बता दें क्या रहने वाला है शहर बनारस में सोने का भाव। तो अगर गोल्ड रेट की बात करें तो 53,955 पर जीएम, और सिल्वर 58,358 पर केजी। और हमारे प्रोग्राम आप अगले दिन यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं AIR वाराणसी के। तो अब प्रोग्राम में हमारा चलने का समय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।